मसारी मसारी में ही मौजूद हमारे सहयोगी अरविंद ओझा और हमारे सहयोगी समद श्रीवास्तव जो उस दिन मौजूद थे, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से आज अंत एक अध्याय का जिसमें माफियागिरी की पूरी कहानी है। बीते दिन से समर्थ जो कुछ आपने देखा है वो लंबे वक्त तक आप भूल नहीं पाएंगे। आपकी आंखों के सामने में, हमारे कैमरामैन नीरज की आंखों के सामने में जब आप डटे रहे अपने काम पर, आपने दिखाया कि पुलिस कस्टडी में मीडिया के कैमरास के सामने किस तरह से दोनों को गोलियों से भून दिया गया, वहां से लेकर ये अंत जो माफियागिरी का आज इसी प्रयागराज की मिट्टी में लिखा जा रहा है। वो तस्वीर जो है, जो कल रात की है, वो तस्वीर आज भी मेरी आंखों के सामने है, वो तस्वीर लगातार मेरी आंखों के सामने, मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी अभी सुबह से रिपोर्ट कर रहा हूं, वो तस्वीर मेरे सामने से हटने नहीं है। और वो जो गड़गड़ाहट है वहां पर, जो बंदूक चली, जो जिस तरह से गोलियां चली, वो मेरे कान में अभी भी आ रही है, क्योंकि मेरे सामने जो घटना होती है, आज तक जब ग्राउंड पर होता है, जब अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, उस वक्त जब ये घटना होती है, और हम उस वक्त डटे इसलिए रहते हैं जिससे हम अपने दर्शकों तक एक एक तस्वीर पहुंचा सकें, कैमरामैन नीरज डटे इसलिए रहते हैं जिससे कोई तस्वीर छूटने ना पाए, फिर चाहे वो तस्वीर अति की गोली लगने की हो, या फिर वहां पर जो आरोपी हैं उनके सरेंडर करने की हो, या पुलिस द्वारा उनको पकड़े जाने की तस्वीर हो। पर जरूर कहूंगा, रोंगटे खड़े हो जाने वाली घटना थी हमारे लिए वहां पर उस वक्त कवर करते हुए। मेरे और मेरे साथी उस वक्त जहां पर थे, हमने ये नहीं सोचा था कि इस हो सकती है। हम केवल वहां पर अतीक अहमद और अशरफ रहे थे क्योंकि उसका मेडिकल चेकअप था, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि हर 24 घंटे पर मेडिकल चेकअप कराना है, और वैसे ही हम वहां पहुंचे थे कवर करने के लिए। और अचानक से पहला सवाल जैसे ही मैं ताकता हूं, उसके बाद जो तड़तड़ाहट होती है अशरफ और अतीक और अशरफ की ठीक, और वहीं से पीछे से गन फायर चलता है। सबसे पहले गोली सिर पे यहां लगती है और अतीक वहीं पर ढेर हो जाता है, और उसके बाद अशरफ पर विदिन, मैं कहूंगा बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं समर्थ, ये देखिए तस्वीरें, अंदर में दफनाया जा रहा है और मिट्टी डालते हुए लोग दिख रहे हैं। जो प्रक्रिया है पूरी दफनाने के पहले की, वो पूरी करने के बाद अब मिट्टी में लोग वहां पर पहुंचे हैं मिट्टी डालने के लिए। अरविंद ओझा, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है और मिट्टी डाला जा रहा है। जितने रिश्तेदार होते हैं वो सब धीरे धीरे मिट्टी डाल रहे हैं, और वो दिख रहा है कब्र में दोनों को डाल दिया गया है। नहीं बिल्कुल, और जब कब्र में डाल दिया जाता है तो आखिर में दुआ पड़ी जाती है कि जो भी भूल चूक रही हो, जो कुछ भी किया हो, माफ कर देना। तो आखिर में माफी भी मांगी जाती है दुआ पढ़ते वक्त। ये सबसे जो लास्ट है, जो जानकारी मैंने जब पूछा था यहाँ पर, तो जो जानकारी मिली कि लास्ट में जब दफना दिया जाता है तो उसके बाद बकायदा दुआ पढ़ी जाती है, और ये उसमें कहा जाता है कि जो कुछ भी हमने किया उसके लिए हमें माफ कर देना, जो जिस शव को दफनाया गया उसे माफ कर दिया जाए। तो एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जिस तरीके से समर्थ भी बता रहे थे, जिस तरीके से आतंक फैला रखा था, और जैसा मैंने भी पहले भी कहा था कि अतीक को इस बात का इल्म नहीं था कि ऐसा हश्र होने जा रहा है, उसको इस बात का इल्म नहीं था कि लाओ लश्कर के बीच दो बार उसको साबरमती जेल से लाया जाएगा, क्योंकि करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी, करोड़ों अरबों रुपए, उसके अलावा सियासी रसूख, पैसा, प्रॉपर्टी और गुर्गे, गैंग्स, हथियारों का जखीरा रिकवर हुआ था। तो और कई बार जब जो एक आदतन अपराधी हो जाता है अंजना, कि जब वो एक बार मर्डर कर दे, दो बार मर्डर कर दे, उसके बाद गुंडा एक्ट लग जाए, फिर सियासी कृपा से गुंडा एक्ट वापस हो जाए, तीन बार गुंडा एक्ट वापस हुआ था। चार्जशीट की पूरी फेहरिस्त है, कितनी कितनी चार्जशीट हुई, कई चार्जशीट में गवाही नहीं देने गए, कई केसेस ऐसे थे जिसमें वो दोष मुक्त हो गया। तो ये जो चीजें थी जिसकी वजह से उसका ओवर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया था, और यही ओवर कॉन्फिडेंट था कि योगी राज में, जहां पर जो तमाम गैंगस्टर, खासतौर से जो योगी राज में पुलिस का जो मोटो है जीरो टॉलरेंस का, उस दौर में जेल के अंदर से ऐसी साजिश रची गई थी, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी और शायद भूली भी नहीं होंगी, कि जिसमें बकायदा शूटर आते हैं एक जगह से घात लगाकर, और दिन दहाड़े जिस तरह से उमेश पाल की हत्या करते हैं। उसके बाद जो सबसे खतरनाक था, जो सबसे क्रूर था, सुरक्षा में जो लोग पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है आम जनता को सुरक्षित करना, सुरक्षा का माहौल देना,
उन पुलिस कर्मियों पर बम से हमला किया जाता है। चेस करके जो अतीक का बेटा है वो गोली मारता है, महज 19 साल का वो लड़का, सोचिए कि उसका कॉन्फिडेंस उसके पिता ने कैसा बढ़ाया होगा अपराध को लेकर कि वो दिन दहाड़े गोली मारता है। और तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जल्दी से आपको बता दें, दोनों को ही दफना दिया गया है। अतीक और अशरफ को उनकी कब्र जो खोदी गई थी उसमें दफना दिया गया है और अब मिट्टी डाला जा रहा है। जो परिवार के लोग वहां पर अंदर मौजूद हैं, जो करीबी मौजूद हैं, वो सब मिट्टी डाल रहे हैं। ये हिस्सा है पूरी प्रक्रिया का, जिसमें कसारी मसारी के कब्रगाह में कब्र में उनको डाला गया और उसके बाद से वहां पर मौजूद लोग मिट्टी डाल रहे हैं उनके शव पर, ताकि पूरी तरह से उसे दफन किया जाए। यहीं पर असद को, उसके बेटे को एक दिन पहले दफनाया गया बीते दिन सुबह में, और आज रात दोनों ही माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई माफिया अशरफ, दोनों को ही वहां पर दफन कर दिया गया है। कसारी मसारी में कब्रगाह में दफन कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती है इस पूरे इलाके में, और कई लोग ये मान रहे थे कि शाइस्ता परवीन आ सकते हैं। शाइस्ता परवीन पर भी 50,000 का इनाम है। आपको बता दें, शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की बीवी और असद की मां, लेकिन ना वो बेटे के दफन होने पर आई और अब तक ना पति और देवर के दफन होने पर आई है। ये कहा जा रहा था कि आखिरी बार देखने के लिए वो यहां पर पहुंच सकती है, लेकिन शाइस्ता परवीन नहीं आई है। पुलिस वाले परिवार से खुद थी, लेकिन माफिया डॉन से शादी होती है, वो इस पूरे परिवार में माफिया गिरी के उस पूरे नेटवर्क में एक तरह से शामिल हो जाती है। और खास तौर पर बेटे असद को उमेश पाल की हत्या के बाद जब वीडियो सामने आ गया, तनादन वो गोलियां दागते हुए दिखा, उसके बाद से वो अच्छी खासी चिंतित हो गई। खाड़ी देश में बचाने की कोशिश की उसने भेजकर असद को, लेकिन वो हो ना सका। उसने पूरी कोशिश की, फिर गुलाम एक जो शार्प शूटर था उसको लगा दिया अपने बेटे असद के साथ कि असद को बचा कर रखना, हमेशा उसके साथ रखना, प्रोटेक्ट करना। लेकिन एनकाउंटर में गुलाम और असद दोनों झांसी में मारे जाते हैं। उसके बाद से बीते दिन वहां पर दफन किया गया और आज अतीक अहमद और अशरफ